वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सांबा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सुरजीत सिंह सलाथिया के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। सीएम यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासनकाल में देश में एक भी दंगा नहीं हुआ। कई राजनीतिक दल और देश विरोधी ताकतें कहती थी कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद देश में खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन पीएम मोदी के राज में किसी ने भी एक पत्थर भी नहीं फेंका। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कश्मीर की जनता से स्वच्छ और स्थायी शासन देने के लिए बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो सारे षड्यंत्र फेल होगा। जोरदार ताली बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, माननीय अमित शाह जी के लिए, जिनके माध्यम से अब हमारे उस काले दौर से हम बाहर आ गए, और इस बाहर से आने वाले माहौल को बनाए रखने के लिए ये जो चुनाव है, ये माफ करना सुरजीत जी, ये चुनाव केवल सुरजीत सिंह जी का नहीं है, ये चुनाव उस 75 साल के बदले लेने का है जो अतीत में हमारे साथ गलत हुआ था। ये दरवाजा इसलिए खुल रहा है कि कश्मीर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर के विकास के दरवाजे की तरफ जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता।